सीट दी है, आप एक सीट आपके चाचा को दी गई है, आपकी अब आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शुरू से तय किया हुआ है कि हम लोग कुछ सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। कुछ सीटों पर नाम तय हो गए हैं और कुछ जगह पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि एक बार नोटिफिकेशन आता है तो उसी के साथ हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों के नाम की हम लोग घोषणा कर देंगे। और जहां तक रही बात एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उसमें जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं उनको जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई है, ये अपने में प्रश्न उठाता है कि क्या सही में एनडीए में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। साथ ही में जिन घटक दलों को सीटें मिली भी हैं, हमेशा से 50-50 का फॉर्मूला मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन में चाहते थे, पर उस 50-50 के फॉर्मूले के बावजूद अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा है और जहां पर उनको 50% सीटें उनको नहीं दी गई हैं, एक तरफ 11 और एक तरफ 13, तो ये अपने में दिखाता है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी अब छूटती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व, और जो कि ज़रूरी भी है, हकीकत भी है भैया, एक तीसरे नंबर की पार्टी बार बार अपनी अहमियत को दिखाए और बोले कि हमें 50% सीटें चाहिए, ये उचित भी नहीं है। और जहां तक आपने मेरे चाचा जी का जिक्र किया, ये भी दिखाता है कि भैया जब हम लोग साथ में थे और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब हम लोग मिलकर चुनाव हम लोग लड़ते थे, तो उस वक्त हम लोग 4 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। मौजूदा परिस्थिति में कहीं ना कहीं उनको भी ये दिखाया गया है, बताया गया है कि भैया एक सीट देकर उस गठबंधन में उनकी क्या पोजीशन है, ये भी उनको दिखाया गया। बहरहाल, सीटें पाना ही मुझे नहीं लगता कि किसी गठबंधन का लक्ष्य होना चाहिए। अब उनमें से वो कितनी सीटें कौन जीत पाता है, जनता दल यूनाइटेड या बाकी के घटक दलों को जो जो सीटें भाजपा के द्वारा दी गई हैं उसमें से कौन कितनी सीटें जीत पाता है, ये भी आने वाला समय बताएगा। बट जहां तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोगों की मजबूत तैयारी चल रही है अकेले पुनः बिहार के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए, अपने विचारों के लिए और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पुनः हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग अकेले रणभूमि में उतरेंगे। उम्मीद करता हूं कि पहले से बेहतर प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। फिर 2020 वाली होगी, जेडीयू के खिलाफ सिर्फ अपने कैंडिडेट को उतारेंगे? देखिए, हम लोगों ने बिना इस सोच के कि जनता दल यूनाइटेड किन सीटों पर लड़ रही है नहीं लड़ रही है, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैडर मजबूत है जिन्होंने तैयारी की है, या जहां पर हम लोग के पास मजबूत साथी हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन तमाम सीटों पर बिना इस बात का मद्देनजर रखते हुए कि कहां से कौन सा दल चुनाव लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, उन तमाम सीटों पर जहां पर हम लोग की तैयारी मजबूत है वहां पर हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे। जवाब दिया, इस पर लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए क्योंकि बिहार के करोड़ों लाखों युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। भाई, जब कोई रोजगार मांगने जाता है आप उन पर लाठी चलाते हैं, इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। एक तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार देने में आप सक्षम नहीं हैं, और उसके बाद जब अपनी उचित मांगों को लेकर बिहार के छात्र सड़क पर उतरते हैं तो मौजूदा सरकार, और खासतौर पर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय आता है, तो इसीलिए मैं राज्य सरकार की बात करूंगा कि जिस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता से उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, भैया वो वीडियोस मैंने अपने ट्विटर हैंडल से भी और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने पोस्ट किए हैं, जहां पे छात्रों को बुरी तरीके से बिहार की पुलिस उनकी पिटाई कर रही है, उनको मार रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। भैया, अगर आप रोजगार नहीं दे पाते तो कम से कम लाठियां तो मत चलाइए छात्रों के ऊपर। और जहां तक रही बात RRB और NTPC में भर्ती को लेकर, भैया एक मापदंड तय होता है और अगर आप उस मापदंड को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो यकीनन छात्र सड़क पर उतरेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से समर्थन करती है। मैं डे वन से सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपनी बातों को, अपने विचारों को छात्रों के समर्थन में मैंने रखा है। जहां एक तरफ
मैंने उनके ऊपर हुई लाठियों का हम लोगों ने विरोध किया, उसकी हम लोगों ने निंदा की, साथ ही हम लोगों ने मांग की है केंद्र सरकार से भी कि भैया इस भर्ती में जहां पर भी मापदंडों का उल्लंघन हो रहा है और छात्रों की जो जो उचित मांगे है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भैया 20 गुना ज़्यादा फर्स्ट फेज में आपको इनकी सिलेक्शंस करना चाहिए था, इनको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए था, वहीं पर एक पद के लिए आपने तीन तीन पदों के लिए एक ही व्यक्ति के नाम को आप लोगों ने चिन्हित कर उसका जो मापदंड है उसको आपने पूरा नहीं किया और 20 गुना की जगह सिर्फ मात्र 11 गुना आपने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें एक बड़ी संख्या अभी भी ऐसी है जिनका सिलेक्शन हो सकता था जो आपने नहीं किया। तो तमाम इन मापदंड के ऊपर आपको चर्चा करने की आपको जरूरत है। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार का कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझने का कम से कम उन्होंने प्रयास किया और जिस कमेटी की उन्होंने बात किया कि बनाकर छात्रों से वो बातचीत करेंगे और उनकी जो समस्या है उसको सुनेंगे। बट बहरहाल इस बात को मैं पुनः दोहराऊं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से छात्रों के साथ और उनकी तमाम उचित मांगों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार अगर उनकी मांगों का समर्थन करती है या उनकी मांगों को सुनती है और समाधान निकालती है बहुत अच्छी बात, नहीं तो अगर इस लड़ाई को हम लोग को आगे तक लड़ने की जरूरत होगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है। बिहार में सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि अब शिक्षक जो है वो शराब पकड़ेंगे। पहले से शिक्षक जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इलेक्शन का ड्यूटी उनपे भाई मुख्यमंत्री जी से पूछे कि बिहार में शराब के अलावा कोई और काम बचा है कि नहीं बचा है, या शराबबंदी का एक हवा उनके सर पे अब सवार हो गया कि उनको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। शिक्षक भी यही करें, पुलिस भी यही करें, अपराधियों को छोड़कर सारी दुनिया सारी जनता बिहार की सिर्फ शराबबंदी पर लग जाए तो आप क्या करेंगे भाई? आप सिर्फ अपने हवा महल में बैठकर एसी और हीटर का मजा लेते रहेंगे क्या? उसके अलावा आपके पास है कहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाई? आप इतनी हत्याएं हो रही हैं बिहार में, इतना अपराध बढ़ता जा रहा है। पाकड़गंज की घटना, हम लोग वहां जाते हैं, शराबबंदी जहां पर होती है वहां पर जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, वहां हम लोग जाते हैं। आज हम लोग बक्सर जा रहे हैं, भगवान जाने कि भैया एक के बाद एक जो ये घटनाएं घट रही हैं उसमें आप खुद कहां हैं? और अगर आप शिक्षकों को भी अगर आप इसी में डाल देंगे तो बिहार में वैसे ही शिक्षा नीति के हालात देख लीजिए क्या है। एजुकेशन का स्तर बिहार में आप पहले ही हर कोई जानता है भैया कि किस बदहाल स्थिति में है। आप बिहार के किसी भी गाँव में चले जाइए, आप मुझे बताइए क्या वहां पे प्राथमिक जो शिक्षा संस्थान है क्या वहां पे शिक्षक आते हैं, या क्या वो इतने सामर्थ्य हैं कि वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करा पाए? और उसके बाद अगर आप शिक्षकों को भी इसी में ही लगा देंगे तो बताइए ना कि भैया आप का कानून, आपकी कानून व्यवस्था, आपका शासन प्रशासन तंत्र क्या करेगा और आप खुद क्या करेंगे भैया? ये जानने वाली बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बात को स्पष्ट तौर पर इस बात को कबूल कर लें कि उनके बस का नहीं है। अगर एक शराबबंदी जैसा छोटा सा कानून वो धरातल पर नहीं उतार सकते तो बिहार को चलाना अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बस के बाहर की बात है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराएं, मध्यवर्ती चुनाव में जाएं और ये तीसरे नंबर की पार्टी जो आज की तारीख में सरकार चलाने में असमर्थ है उसको हटाकर एक बेहतर सरकार बिहार में बनाई जाए। देखिए चिराग पासवान थे, ये दिल्ली से पहुंचे हैं पटना एयरपोर्ट पर लगातार संबोधन। अब भाई अब ये तो वही बताएंगे बड़ी डंगे की चोट पे कहते थे, हकीकत है भैया ये भी जानते हैं कि जिस पार्टी को बिहार में लोग नहीं पूछ रहा है, बिहार में जिसको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिए हैं, वो पार्टी अपना दमखम दिखाने की बात कर रही थी उत्तर प्रदेश में। और आप बताइए ना भैया उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, अगर आपको इतना ही आपको अपने ऊपर विश्वास था क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आएंगे उत्तर प्रदेश? इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय आरसीपी सिंह जी, बताएं उनका नाम क्यों नहीं दिया गया स्टार प्रचारकों की सूची में? तो कहीं ना कहीं इनको खुद को पता है भैया, एमएलसी का चुनाव बताएगा ना कि बिहार में ही जनता दल यूनाइटेड की कोई हैसियत नहीं है, और ये बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। देखिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, ये दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। हालांकि जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब का मुद्दा हो या आरआरबी के स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर प्रखर होकर इन्होंने बात किया और इस सरकार को, जो जेडीयू की यहाँ सरकार है उसको तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू के बताया, और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को अपने ईगो पर ले लिया है। जिस तरीके से शिक्षकों को अब ये ड्यूटी दिया गया है कि शिक्षक अब बताएंगे कि शराब
कहाँ कहाँ मिल रहा है शराब, यानी पूरी तरीके से शराब की जानकारी जो प्रशासन तक पहुँचाने की जिम्मेवारी है वो बिहार के सरकारी शिक्षकों पर डाल दी गई है। तो चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरीके से शिक्षकों पर इस तरीके का बोझ दिया जा रहा है, वो पहले ही अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और अब एक और ड्यूटी शिक्षकों पर डाल दिया गया है। जिस तरीके से बिहार में MLC चुनाव पर भी चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरीके से BJP और JDU ने सीटों का बंटवारा किया है उसमें एक सीट जो है वो BJP की तरफ से जो है लोजपा पारस गुट में दिया जाएगा, तो इस पर उन्होंने कहा है कि वो भी उतारेंगे अपने कैंडिडेट्स को MLC के चुनाव में, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों का कोई चिन्हित प्रत्याशियों को नहीं किया गया। देखिए रामविलास पासवान लोजपा रामविलास के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब यहाँ पटना एयरपोर्ट पर उतरे हैं और संभवतः यहाँ से इनके छपरा जाने की बात हो रही है। जो शराब जहरीली शराब से मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है, तो उनके परिजनों से मिलने के लिए चिराग पासवान जाएंगे। तो फिलहाल लाइव तस्वीर हम पटना एयरपोर्ट से दिखा पा रहे हैं कि चिराग पासवान ने किस तरीके से सरकार पर हमला बोला है RRV के तमाम स्टूडेंट्स को लेकर। उस घटना को चिराग पासवान ने काफ़ी निंदनीय बताया है, जिस तरीके से RRV के स्टूडेंट्स पर बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे उन तमाम स्टूडेंट्स पर कार्रवाई भी की गई, शिक्षकों पर भी कार्रवाई की गई और आंसू गैस के गोले भी दागे गए, बल का प्रयोग किया गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें छात्रों के हॉस्टल्स में प्रशासन घुसकर उनका दरवाज़ा तोड़ती है और छात्रों पर जो है वो बल का प्रयोग किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय। और चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमला किया है और उन्होंने इस मुद्दे को जिस तरीके से छात्रों के ऊपर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है तो इसको चिराग पासवान ने सीधे तौर पर निंदनीय बताया है। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज पर, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।